अरे पैंट्रावानू और जज साहबान प्रभु की सेवा द्वारा सारू जय मसीह दी। तो अज का जो मेरे वचन का विषय है वो है इब्रानिया उदा 10 अध्याय और उसकी 38 आयत। पर मेरा धर्मी बंदा निहचा तो जीवेगा अते जे वह पिछाह हट जाए मेरा जी उस तो प्रसन्न नहीं होगा। तो अज के वचन का विषय यह है कि जो असी खुदा नूं जान के उस दे विच चलना शुरू करते हाँ तो सानूं कदे भी पिछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो असी पिछे हटते हाँ तो साडा खुदा साडे तो कदे भी प्रसन्न नहीं हुंदा। असी सब लोग खुदा नूं जानन वाले हाँ, खुदा दे वचनां नूं सुनन वाले हाँ, उन्हां दे अनुसार अपना जीवन भी बतीत करते हाँ, पर इस दे नाल नाल बहुत जरूरी है कि असी कदे भी खुदा दे वचनां तों पिछे ना हटीए, जिदे लिए आपां 3 बहुत खास गलों का ध्यान रखांगे, जिन्हां विचों सब तो पहली गल ये है कि प्रभु यीशु मसीह वाल ध्यान रखना। प्रभु यीशु मसीह वाल ध्यान रखना क्योंकि प्रभु यीशु साडा मुक्ति दा दाता है, जिदे वास्ते सानू उहदे वल हमेशा अपना ध्यान लगाई रखना चाहिए है। सानू साडी लगन साडे प्रभु दे नाल हमेशा लगी ही रहनी चाहिए है। इहदे वास्ते जदों असी पतरस दी उदाहरण देखते हाँ कि पतरस जिनी देर प्रभु यीशु मसीह नू पानी ते चलदे हुए देखदा ही तो उहने कहा कि प्रभु जी जेकर तू आग्या देवे तो मैं भी चल के तेरे कोल आवां, तो प्रभु ने बोलिया कि आ। जदों पतरस ने चलना शुरू किया तो जिनी देर उहदा ध्यान प्रभु यीशु दी वल सी उन्नी देर वह चलता होया डुब्या नहीं, पर जिवें उसका ध्यान समुद्र दी वल ते समुद्र दी विचलियां लहरां दी वल गया उवें उसने डुबना शुरू कर दिता। इसे तरह यह समुंदर जड़ा है वह साढ़े इतने संसार को दर्शाता है और जो लहर ने वह संसार के विचलियां आदियां मुश्किलों तकलीफों दर्शादियां ने। तो जो साडा ध्यान साढ़े खुदा दे वलों हट के इन्हां संसारिक मुश्किलों के तरफ मुसीबतों की तरफ जाता है तो ऑटोमैटिकली असी डामाडोल हो जाते हैं, तो साड़ी स्थिति जी जिवें पतरस ने डुबना शुरू कर दिता उस प्रकार की हो जाती है। ये वास्ते बहुत जरूरी है कि असी डुबीए नहीं तो खुदा दी वल अपना ध्यान हमेशा निरंतर असी लगाई रखिए। जरूरी नहीं है कि जिनी देर असी चर्च के विच रहना है उन्नी देर ही साडा ध्यान खुदा दी वल लगा होना चाहिए, तो जिवें चर्च तो बाहर गए तो साडा ध्यान सिर्फ फिर इधर उधर दीआं गल्लां दे वल। बहुत जरूरी है कि जिनी देर तक असी जो भी काम करते हैं जो भी असी सोचते हाँ साडा हमेशा ध्यान साढ़े खुदा दे वल होना चाहिए है कि असी की कर रहे हैं, साढ़े खुदा नूं साढ़े काम तो की महिमा मिलती है या नहीं मिलती। तो पहली गल यह है कि असी प्रभु दे वल हमेशा अपना ध्यान रखना है। दूसरी गल यह है कि खुदा दे वचन ते कदे भी शक नहीं करना। ये वास्ते असी रोमिया उदा 4 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत में पढ़ते हाँ, परंतु परमेश्वर के बचन की वलों उन्हें प्रतीत नाल शंका ना की सगों नेहचा विच तकड़िया हो के उन्हें परमेश्वर की वड्याई की अते उन्हें पक्की नेहचा सी भई जे तां उसने बचन दिता उसके पूरा करन नूं भी समर्थ है। ये अब्राहम के जीवन के बारे में इतने लिखा हुआ है कि अब्राहम नूं पूरी परमेश्वर के प्रतीत सी ते उन्हों विश्वास सी कि प्रभु ने जो वचन किया है उन्हों वो पूरा करन दे भी समर्थ रखता है। इसे प्रकार साडा विश्वास भी पक्का होना चाहिए है कि जो खुदा वचन करता है उन्हों वो पूरा करन दे भी समर्थी खुदा है। जे असी इस वचन ते शंका करिए विश्वास ना करिए ते फिर असी आशीष नहीं हासिल कर सकते, असी खुदा तो दूर हो सकते हाँ। जे असी जकरिया दी जिंदगी दे विच ध्यान देईए तां उसदे कोल जो खुदा का वचन आया तो जबराइल फरिश्ते ने उसनों कहा कि तेरे घर एक पुत्र जन्म लेगा, तो उसने उस वचन के उत्ते विश्वास नहीं किया बल्कि बेप्रतीति की शंका की, जिसके कारण उन्हें आशीष नहीं बल्कि श्राप नू हासिल कर लिया। फरिश्ते ने उसनों कहा कि जब तक यह वचन पूरा नहीं हो जाता तू गूंगा रहेगा। ये वास्ते बहुत जरूरी है कि असी कदे भी खुदा दे वचना देते शक ना करिए। जकरिया भी साड़ी तरह सी, वह खुदा नूं मनन वाला सी, खुदा नूं जानन वाला सी, खुदा दा सेवक सी। इसे प्रकार जिवें असी भी चलते हाँ तो चलते चलते किते साडे मन दे अंदर शंका पैदा होण दी जो कोशिश करे तो कोशिश करो कि उस शंका नूं तुसी हमेशा लई खत्म करो, इस वचन देते कदे भी शक ना करो। तो तीसरी गल बहुत मेन है वो है कि प्रभु की आग्ञा लई हमेशा तैयार रहना।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਦਾ 119 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸਦੀ 60 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मेरे दुखी होण तो पहला मैं भुलिया फिरदा सा, पर हुण मैं तेरे बसना दी पालना करदा हाँ। जदों असीं पहला भुले फिरदे सी, खुदा नूं नहीं सी जानदे, तां उस समय गल अलग सी, पर हुण जदों असीं खुदा नूं जानदे आ, खुदा दे विच चलदे आ, तां इह साडे लई वास्ते बहुत जरूरी गल है कि असीं उसदे वचना दे अनुसार अपना जीवन बतीत करिए। खुदा दे वचन दे अनुसार अपना जीवन बतीत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुदा उन्हां लोगां नूं पसंद करदा है जो खुदा दे वचन दी आज्ञाकारी करदे ने, ते खुदा दी आज्ञा लई हमेशा तैयार बार तैयार रहिंदे ने। जदों असीं यूना नबी दी वल देखदे हां, ते खुदा ने उसनूं हुक्म दिता कि नैनुआ विच जाके ते प्रचार कर, पर उन्हें की कीता, नैनुआ नूं छड्ड के तरशिश दी वल जाना उन्हें शुरू कर दिता। जदों तरशिश दे जहाज से बैठा और उत्ते मुसीबत आई, पूरे समुद्र दे विच भूचाल आ गया, वह मछली दे पेट दे विच चला गया, मछली दे विच पेट दे विच जाके वह 3 दिन मछली दे पेट विच रहा, तो उत्थे उन्हें अपने गुनाह का पश्चाताप किया। जेकर असी भी खुदा दे वचन की उलंघना करांगे, उसके वचन की आज्ञाकारी नहीं करांगे, तो यह गल जरूर पक्की है कि साढ़े जीवन दे विच मुसीबत आ सकती है, तो असी अपने विश्वास तो जिस दे विच असी पहला चल रहे सी पछाहां हट सकते हैं। असी यूनान नबी दी तरह अपने आप नूं वचन तो अलग नहीं करना, बल्कि उसकी आज्ञाकारी लई हमेशा असी तैयार पर तैयार रहना है, क्योंकि खुदा दा वचन सानूं दसदा है कि खुदा दी आज्ञाकारी वास्ते जानवर भी तैयार रहिंदे ने। जे मछली नूं खुदा ने हुक्म दिता, तां मछली ने उस टाइम खुदा दी आज्ञा पा के यूनान नूं अपने पेट दे अंदर लै लिया, ते खुदा दी आज्ञा दे अनुसार ही उन्हें 3 दिन उसनूं अपने पेट अंदर रख के, ते 3रे दिन किनारे दे उत्ते उगल दिता। जे असी कां दी गल देखिए, तां कां दे कोलों भी खुदा ने अपना काम लिया। एलिया नबी दे लई उसने उजाड़ दे विच खाने दा इंतजाम किया। जे जानवर खुदा दी आवाज़ नूं पहचानदे ने, खुदा दे वचन दी पालना करदे ने, तां इह बहुत जरूरी है कि जिस मकसद लई सानूं खुदा ने इस संसार दे विच भेजा आ, उस मकसद नूं असी जरूर अपनी जिंदगी दे विच पूरा करिए। साढ़े वास्ते यह बहुत जरूरी है कि जिस भी मकसद लिए, जिस आज्ञा लिए खुदा ने सानू हुक्म दिता है, उस आज्ञा नू असी अपने जीवन दे विच लगातार हमेशा पूरा करते ही चले जाइए। यही साड़ी जिंदगी का मकसद है। जेकर असी चाहते हैं कि असी पिछे ना हटिए, खुदा नू पसंद आइए, खुदा विच वादे चले जाइए, तो पहली गल वाल खास ध्यान दईए, वह है कि खुदा दी वाल, प्रभु येसु दी वाल ध्यान देना। दूसरी है कि वचन दुते कदे भी शक नहीं करना, और तीसरा है कि जिस मकसद की खुदा ने सानू इस संसार विच भेजा है, उस मकसद नू पूरा करना और खुदा दी आज्ञा दे लई हमेशा तैयार पर तैयार रहना है। साडे जीवन दे वास्ते यह बहुत जरूरी है कि असी खुदा दी आवाज़ नू पहचानीए, कदे भी पिछे ना हटिए, खुदा दे विच निरंतर लगातार पिछे कदे ना हट के चलते ही चले जाइए, क्योंकि पिछे हटन वाले तो खुदा दा दिल कदे भी प्रसन्न नहीं हुंदा। असी जे चाहुंदे हां कि खुदा साडे तो प्रसन्न होए, तां बहुत जरूरी है कि खुदा दी इच्छा दे अनुसार असी अपना जीवन लगातार निरंतर बतीत करदे चले जाइए, और उस दे वचनां दे अनुसार असी हमेशा लगातार अपनी लगातार निरंतर चाल नूं कायम रखिए। सो इन्हां वचनां दे द्वारा खुदा तुहानूं और मैनूं सब नूं आशीष दे। सारे नूं जय मसीह दी।